कि अगर हम कथा पढ़ना जानते हैं, मंदिर में जाना जानते हैं, तो हम परसा भी उठाना जानते हैं, हम श्राद्ध भी पढ़ना जानते हैं। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ नहीं कहूंगा इन्हें, इन्हें कहूंगा ढोंगी नाथ। कब तक चुप और मौन रहेंगे? क्या सत्ता की दलाली में फेविकोल पी के चुप और मौन रह गए हैं? तमाम दिन प्रतिदिन लगातार, चाहे फिर वो गोरखपुर हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, गाजियाबाद हो, या तमाम आपके जिले जो अड्डा बन चुके हैं लूटपाट का, ब्राह्मणों की हत्याओं का, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही, क्योंकि आप तो समझ चुके हैं कि ब्राह्मणों की जरूरत कहां है। क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच जाते हैं, जहां जरूरत ब्राह्मणों की है वहां आपके प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों को भी मरवा देते हैं, ब्राह्मणों को भी मरवा देते हैं, मुस्लिमों को भी मरवा देते हैं। तो आप तो किसी के भी नहीं है, आप ना राम के हैं ना रहीम के हैं, आप कुर्सी के पुजारी हैं, और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता परशुराम के अपमान का, खा गए आप माल राम नाम का। आप लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मरवाते रहेंगे और आप क्या समझ रहे हैं हम देश में बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? गलतफहमी है, आपके पिताजी का देश है ये, है इस देश को आजाद कराने के लिए लहू बहाया है। और आपको एक बात बता दें, और जब बात हमारी होगी, जब बात उत्तर प्रदेश की होगी, जब हमारे भाइयों की बात होगी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अत्याचार करेंगे ना, और चुप और मौन रहेंगे, तो हम श्राद्ध भी पढ़ना जानते हैं। और इस सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मणों के हाथों होगा। और आपको मैं बता रहा हूं, आने वाले इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि आपको एक भी ब्राह्मण वोट देने वाला नहीं है। और आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा आपको कहीं किसी प्रदेश में जगह भी नहीं मिलने वाली है। यह भूल है आपकी कि हम सब पुनः आपकी सरकार बनाएंगे। हमारे नेतृत्व में हमेशा सरकार बनती है, बनती आई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। और हम ही समाज, हमारे ही समाज को आप लोग अपमान करने का काम करते हैं, हमारे ही समाज को आप दबाने की कोशिश करते हैं, और हमारे समाज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। 2022 के चुनाव में हम सभी ब्राह्मण समाज के साथ साथ, जो सर समाज की बात कर रहा हूं मैं, उस सभी सर समाज के लोग आपको 2022 में जो इतना घमंड लेकर चल रहे हैं योगी जी, ये घमंड आपका हम तोड़कर दिखाएंगे। 2022 में हम ये प्रण लेते हैं, ये ब्राह्मण समाज का प्रण है, ये राज त्रिपाठी का प्रण है, ये मोहित शर्मा का प्रण है, ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक का प्रण है कि आपको इस 2022 से तड़ी पार करके रहेगा। देश के अंदर लगातार माहौल आप खराब कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, हैं? और जब बात आती है ब्राह्मणों की हत्याओं की तो चुप हो जाते हैं। आप देश के तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। जी, आप उन ब्राह्मणों को कुछ मैसेज दीजिए जो ब्राह्मण अभी भी दलाली करने में व्यस्त हैं, इस ढोंगी बाबाओं के प्रचार करने में मस्त हैं, इस ढोंगी नाथ के साथ सफाई देने में मस्त हैं। उन्हें आप दो शब्द कहिए। देखिए, वो भाई हमारे ही हैं जो राह को भटक चुके हैं, और उनको सही राह पे लाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इतिहास के बारे में पढ़िए, इतिहास में देखिए कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ी थी अंग्रेजों से, और आज हम इनके तलवे चाट रहे हैं जो पूरी देश में दुनिया में दंगे करा रहे हैं। अरे, हमारा इतिहास है कि हमारे पीछे लोगों की लाइन लगी है। ये ऐसे लोग हैं जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक आप बीजेपी की जरूरत है, तब तक आपको साथ में लेके चला जाएगा। और जिस दिन इनकी जरूरत खत्म हो गई ना, आपकी हत्या ठीक उसी तरीके से हो जाएगी जिसका पता भी नहीं चला कि कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई तो हुई कैसे। क्यों नहीं बिठाई आपने क्राइम ब्रांच कमलेश तिवारी जी की हत्या पर, कि वो ब्राह्मण है? उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम पत्रकार का गला रेंगकर हत्या कर दी, क्यों नहीं बिठाई क्राइम ब्रांच? उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूरे परिवार की, जो साधु महात्मा है उनके घर के पूरे परिवार की गला रेंगकर हत्या कर दी, क्यों नहीं उठाई? सरेआम एक ब्राह्मण बहन के साथ में बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है, क्यों क्राइम ब्रांच नहीं उठाई? जो दलित को चिता पर नहीं जलने जाने दिया जाता, उसको लेकर क्यों नहीं बिठाई आपने क्राइम ब्रांच? क्या वो हिंदू नहीं है? कभी आप उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग का गंदा खेल रचते हैं, कभी दलितों को चिताओं से हटवाने का, तो कभी ब्राह्मणों के रक्त रंजिश युद्ध का। आप अपनी इस नीति को, अपनी इस ढोंगी नीति को अपने तक सीमित रखिए, नहीं तो एक बार फिर पुनः कहना चाहूंगा आपसे कि आपकी सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मणों के हाथों होना तय है, निश्चित है। तो संभल जाइए, अभी भी मौका है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए।
लेकिन फिर वो वाला हिसाब हो जाएगा कि अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए देश भर के प्रदेश, देश से लेकर उत्तर प्रदेश जो कि जननी बन चुकी है आत्महत्याओं की, जो जननी बन चुकी है ब्राह्मणों की हत्याओं की, बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की, ब्राह्मणों से योगी आदित्यनाथ जी आपको इतनी क्या जलन और इतनी क्या शंका। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है 6 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के राज में। पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे खासकर यूपी को मैं सर्कुलेट करना चाहूंगा, जहां उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कभी सरेआम पत्रकार शुक्ला को मार दिया जाता है, तो कभी सरेआम किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है, कभी साधु संत के परिवार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ढोंगीनाथ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।